राहुल तेजस्वी मीसा की लंच पर चुनावी चर्चा, कहा पीएम झूठे, नर्वस हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को हो रही है। वोटिंग से पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ खुद के लंच करते हुए वीडियो शेयर किया है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मछली और मटन पर राजनीति से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और आरक्षण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वीडियो में तीनों नेता खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पीएम मोदी के हालिया बयान का जिक्र करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि मछली आपने खाई, कांटा मोदी जी को लगा। दूसरी ओर वीडियो में राहुल कहते हैं, ये जो कह रहे हैं मैं भगवान का काम करता हूं, ये नर्वसनेस है। इस वीडियो में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पाटलिपुत्र से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी मीसा भारती भी दिख रही हैं। वीडियो सोमवार का है जब राहुल गांधी ने पटना में मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार किया था। तेजस्वी, राहुल और मीसा के इस वीडियो पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता कुंतल किशोर ने कहा कि शहजादे शहजादियों को मटन मछली और अपने ऐशोआराम की ही फिक्र है और किसी की नहीं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता पस्त कर रही है। करीब 4.25 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत में तेजस्वी यादव वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से कह रहे हैं कि आप मछली से कांटा लगा है, आपकी मछली में कांटा लगा है। तभी राहुल गांधी बीजेपी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, इनका सिस्टम ये ही है। इतना ही नहीं, इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना झिझक और बिना रुके झूठ बोलते हैं, वे कुछ भी बोल सकते हैं, वो नर्वस हो गए हैं। मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, लेकिन बिहार आकर वे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बीते 10 सालों में उन्होंने क्या किया ये नहीं बता रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहां शुगर मिल था, पीएम ने न मिल के बारे में बात की और न ही चीनी के बारे में कुछ कहा। ऐसे में लोग समझ चुके हैं कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं।